हेलो फ्रेंड, हिरेन आयुर्वेदिक चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए हाई ब्लड प्रेशर के घरेलू उपाय। हाई ब्लड प्रेशर को करें कंट्रोल, यह 7 अचूक आयुर्वेदिक नुस्खे। उच्च रक्तचाप के रोगियों को अपने खान पान का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को हार्ट अटैक और किडनी जैसी समस्या हो सकती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने खान पान का सही से ध्यान न रख पाना सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को अपने खान पान का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उच्च रक्तचाप से ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं हो पाता, जिसके चलते आप दूसरी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर आपके जीवन को खतरे में डाल रहा है। हाई ब्लड प्रेशर अर्थात हाइपरटेंशन से हर व्यक्ति जूझ रहा है। अगर यह एक बार हो जाए तो लोगों को उम्र भर बीपी को कंट्रोल करने के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं, लेकिन आयुर्वेद के उपचार से इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के घरेलू नुस्खे। हाइपरटेंशन के लिए आयुर्वेदिक नुस्खे। हाई बीपी को कम करने के घरेलू नुस्खे। नींबू हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में फायदेमंद है। नींबू में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने में मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर अर्थात उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में नींबू का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तरबूज के बीज हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में फायदेमंद है। तरबूज के बीज और अफीम के बीज को समान मात्रा में मिलाकर कर उच्च रक्तचाप के रोगियों को सुबह और शाम खाली पेट सेवन करना चाहिए। यह रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने का काम करता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखा जा सकता है। प्याज का रस हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में फायदेमंद है। प्याज खाने के कई फायदों के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन प्याज का रस भी कई बीमारियों को ठीक करने में कारगर है। 2 से 3 हफ्ते तक प्याज के रस को सुबह 1 चम्मच शहद के साथ प्रयोग करना चाहिए। इससे हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जा सकता है। शहद हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में फायदेमंद है। शहद का प्रयोग कई बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शहद उच्च रक्तचाप को कम करने में सहायक होती है। प्रतिदिन सुबह खाली पेट 2 चम्मच शहद का इस्तेमाल करें। 1 चम्मच शहद को अदरक रस के 2 चम्मच और जीरा के साथ मिलाकर लें। इसके इस्तेमाल से उच्च रक्तचाप में फायदा हो सकता है। काली मिर्च हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में फायदेमंद है। रक्तचाप या उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों को काली मिर्च का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है। यह प्लेटलेट्स के साथ मिलकर रक्त के थक्के बनने से रोकती है। काली मिर्च को इस्तेमाल आप किसी भी चीज में मिलाकर कर सकते हैं। नारियल पानी हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में फायदेमंद है। नारियल पानी का सेवन करने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती, साथ ही यह रक्त संचार को भी सही रखता है। ब्लड प्रेशर के रोगियों को नारियल पानी या नारियल तेल का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। केला हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में फायदेमंद है। केले में पोटेशियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है, जो हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रतिदिन 1 से 2 केले का सेवन करें। केले के साथ साथ आप किशमिश, संतरे का रस, पालक, बेगडालू का भी सेवन कर सकते हैं। ये सभी सूखे मेवे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। समय पर सोएं और समय पर जागें, साथ ही वॉकिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। हाई बीपी की समस्या आमतौर पर शारीरिक श्रम ना करने वाले लोगों में अधिक देखने को मिलती है। लॉन्ग टाइम सिटिंग जॉब भी इसका कारण बन रही है। जिन लोगों को भी हाई बीपी की समस्या हो, उन्हें टेंशन भरे माहौल से दूर रहना चाहिए। जब भी कभी ऐसा लगे कि सिर भारी हो रहा है या घुटन महसूस हो रही है, तो तुरंत खुली जगह में जाएं या हवादार स्पेस में बैठें। अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखें। रोज प्राणायाम और अनुलोम विलोम करें। योग और ध्यान से भी गुस्से और बीपी को नियंत्रित करने में लाभ होता है। शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो में बीटा कैरोटीन, कैल्शियम और घुलनशील फाइबर होते हैं, जो स्ट्रेस को कम करते हैं और बीपी को कंट्रोल में रखते हैं। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में पोटेशियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केला पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत है। एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। स्ट्रॉबेरी में मौजूद पोटेशियम उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इन फलों के अलावा दही का सेवन कर सकते हैं। दही में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 और विटामिन B12 काफी मात्रा में होता है, जो कि उच्च रक्तचाप की समस्या को कम करता है। ज्यादा मसाले वाली चीजें और डीप फ्राइड चीजों को खाने से बचें। फास्ट फूड का सेवन कम से कम करना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। थैंक्स फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। जल्दी ही आएंगे एक नए नुस्खे के साथ।